उसके घर में, जहां फैमिली वीकेंड का वार था, वहीं पर विक्की और अंकिता की मम्मा वहां आई थी। जहां पर विक्की की मम्मी ने अंकिता पर काफी ज्यादा गुस्सा किया है, वहीं विक्की की रो रो कर काफी बुरी हालत हो चुकी है। दरअसल अंकिता ने जब उन्हें प्रणाम किया तो ऐसे में विक्की की मम्मी कहती है कि भाई तुम दोनों जो है घर में कभी नहीं लड़े और यहाँ पर एक दूसरे से इतनी बुरी तरीके से लड़ रहे हो कि समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा जब तुम दोनों एक दूसरे से मिलते हो तो प्यार से क्यों नहीं मिलते, एक दूसरे से आराम से बात क्यों नहीं करते। अब ऐसे में वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और विक्की जो है अपनी मम्मी को देख कर शुरू से ही रोता जा रहा है। विक्की का रोना बंद ही नहीं हो रहा है। ऐसे में अंकिता विक्की का मुँह देखती है, तभी वो कहती हैं कि मैं तो माँ हूँ, माँ का काम तो समझाना होता है। अंकिता कहती है मैं हूँ ना माँ, आप टेंशन मत लो, आप रो मत, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, मैं इसको संभाल लूँगी। यहाँ पर विक्की की मम्मी का गुस्सा और ज़्यादा भड़क जाता है। वो कहती है कि तुम नहीं संभाल सकती, देखो तुम्हारे सामने वो कितना रो रहा है, कब से रो रहा है, तुम कुछ नहीं कर सकती और वैसे भी घर के अंदर तुम दोनों एक दूसरे से लड़ते ही रहते हो। ऐसा बोलकर विक्की की मम्मी जो है वो लगातार गुस्सा और भड़कती हुई नजर आई है। उनका तो यही मानना है कि सारी की सारी गलती अंकिता की है। फिलहाल दोनों की लड़ाई में आपको क्या कुछ लगता है हमें ज़रूर बताएं, आप किसकी गलती मानते हैं हमें बताना ना भूलें। और यहाँ तक कि विक्की की मम्मी ने जो अंकिता के साथ किया है वो सही है तो अपनी राय हमें देना ना भूलें। ऐसे ही बिग बॉस की पर्पल लाइव अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।